तो हेलो जी, स्वागत है एक फ्रेश न्यू व्लॉग में। तो कल का आपने व्लॉग देखा था कि भाई हम रैंक पांग से होते हुए ना कुपोंग वैली पहुंचे थे, और फिर कुपोंग वैली से हम एक गांव में पहुंचे थे जहां पे मैंने आपको वहां का ट्रेडिशनल सब्जियां वगैरह और वहां का ट्रेडिशनल उनकी मालाएं वगैरह दिखाई थी। और वो व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने वो व्लॉग वहीं पर क्लोज कर दिया था। वही व्लॉग को अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि हम कैसे कैसे विष्णुपुर पहुंचे। और विष्णुपुर में ना एक बहुत फेमस लेक है जिसको लोकटाक लेक बोलते हैं, वो तो आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस ब्लॉग में हम आपको विष्णुपुर भी दिखा देंगे और यहाँ का खान पीन भी दिखा देंगे। सीधा रोड पे मिलते हैं। अरे वाह भाई, इधर तो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक नए शहर में हमारी एंट्री हुई है, इसका नाम है गंगू जान। जियो चल रहा है इधर? जियो जियो चलता है, धन्यवाद। आप क्या, मणिपुरी? नागा। ओ अंकल भी नागा? हेलो अंकल नागा, कैसा है आप? बढ़िया। ये टोपी के ऊपर गमछा, ये बढ़िया स्टाइल है। गर्मी बहुत है इधर। कौन सा है कुछ लेमन में है क्या? हाँ चलेगा। फूड, ये जगह का नाम क्या है दीदी? पिंजांग। गांगलोंग फोर। ओके गांगलोंग फोर। अच्छा गांगलोंग वन टू थ्री फोर। ओ लीमाटेक ब्रिज भाई साहब, ये नदी का नाम लीमाटेक है और ये भाई बड़ी भयंकर नदी है यार। पानी गंदा है लेकिन इसका यार अजीब सा ही पानी है, जैसे इसमें गटर वटर का पानी छोड़ रखा हो ऐसा पानी है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं लॉन्ग साई में। भाई मोदी जी तो यहाँ भी चमक रहे हैं। हेलो कैसा है विष्णुपुर? टुपुल नीचे की तरफ आएगा भाई, टुपुल ऊपर की तरफ आएगा विष्णुपुर, और हमको जाना भाई ऊपर की तरफ यानी कि विष्णुपुर। इधर कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? भाई खाने में क्या मिलेगा? हाँ खाने में क्या मिलेगा? खाना क्या है? नहीं है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। खाने का कुछ खाने का ना? हाँ खाना 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 खाना। आगे आप इधर रहते हो क्या? इधर ही रहते हो? विष्णुपुर आगे मिलेगा। ओके सो गाइस हम लोग विष्णुपुर पहुंचने वाले, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे पड़ेगा विष्णुपुर। तो विष्णुपुर में कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो उनके पास बीफ और पॉर्क था और कुछ था नहीं, रोटी मिल जाएगी विष्णुपुर में बोल रहे हैं। बाय बाय। एक कमाल ही है, अभी पीछे तक तो इतनी गर्मी लग रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाथ जल गए। अब यहाँ पे आते ही थोड़ा सा ऊपर माउंटेन की तरफ को आए, यहाँ पे अब ठंड लग रही है, कप कप ही छूट रही है। भाई इधर तो प्रॉपर आर्मी लग रही थी। भाई जी मैं ना बस विष्णुपुर पहुंची ना, विष्णुपुर में पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा सा रह गया होगा, 15 से 20 किलोमीटर रह गया होगा, लेकिन यहाँ से जो मेरे को व्यू दिखा ना भाई आपको दिखाता हूँ। भाई भाई जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये लोकटाक लेक है, मणिपुर की सबसे फेमस लेक है। और इस लेक के बीचों बीच ना भाई काफ़ी सारे ना माउंटेन्स हैं और उन माउंटेन्स पे लोग भी रहते हैं।
और हम उन माउंटेन्स पे जा भी सकते हैं बोट लेके, ट्राई करेंगे, जा पाएंगे तो जाएंगे, अंदर देख के आएंगे कि भाई लोग कैसे रहते हैं उस लेक के अंदर। भाई इस जगह के बारे में, उस लेक के बारे में मुझे पता ही नहीं था, जस्ट अभी पता लगा है कि यहाँ पे कोई ऐसी खूबसूरत सी लेक है भाई। भाई साहब यहाँ तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, पुलिस कौन है, आर्मी कौन है, इनकी अपनी वो कौन है, जो अपने ग्रुप्स है ना, नहीं पता लग रहा भाई। सबकी ड्रेस सेम है, वो लोग जो मिले थे सबसे पहले उन्होंने आर्मी जैसी ड्रेस पहन रखी थी। जगह तो बहुत खूबसूरत है यार ये। भाई यहाँ के स्कूल के बच्चों की यार ड्रेस कुछ अलग है, इन्होंने नीचे मतलब साड़ी टाइप का कुछ पहना हुआ है। वो भाई सामने वो देखो मिलिट्री का व्हीकल घूम रहा है, वो क्या तगड़ा व्हीकल है भाई। भाई साहब स्टॉप चेक पोस्ट गाइस, ये है बिश्नुपुर, रोड़े काफी चौड़ी चौड़ी है भाई इधर की। भाई इन्होंने क्या साड़ी पहन रखी है, क्या पहन रखा, टी शर्ट के नीचे साड़ी पहन रखी है, ऐसा कुछ है भाई साहब। यार मणिपुरी खाना कुछ अलग ही टाइप का है ना, खाने की स्मेल काफ़ी अच्छी है, फ्रेगनेंस। नमस्कार, क्या मिलेगा खाने में, खाने में क्या क्या मिलेगा भाई साहब? घर का आपको पराठा मिलेगा, रोटी, रोटी है, रोटी है, हाँ बना दो, कोई बात नहीं। हाँ तो गाइस हम लोग विष्णुपुर पहुँच चुके हैं, विष्णुपुर ना, विष्णुपुर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आते ही ना एक मणिपुरी लोग हैं, इनका छोटा रेस्टोरेंट है, तो इनकी खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैं तो घुस गया। और यहाँ पे ना बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है भाई, वही अपना जैसा अपने यहाँ पे मिलता है ना, दाल सब्जी रोटी सब मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ना पकौड़ी गर्म करवा ली, पकौड़ी रखी देखी, पकौड़ी और चटनी खा लेते हैं। यहाँ के लोगों का ना जो ड्रेसिंग है वो काफ़ी अलग है, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ की। अब जैसे आंटी जी हैं, आंटी जी ने पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है, जैसे ही पहनते हो आप लोग इधर। और आपका ये क्या लगा, ये नाक पे क्या है, चंदन नाक पे, सर पे नहीं लगाते, हम लोग तो सर पे लगाते हैं इधर। ओके, रोटी और दाल। अच्छा आप लोग इधर चिकन वगैरह नहीं खाते हैं ना, इधर लोग मतलब ऊपर पार्ट में तो पॉर्क बीफ सब चलता है। हाँ आप लोग नहीं खाते हो, आप लोग क्या हो, मणिपुरी हो कि क्या, ब्राह्मण? अच्छा ब्राह्मण, नाम क्या तुम्हारा? ऋषिकेश। ऋषिकेश, क्या बात है, बहुत प्यारा नाम रखा आपने, ऋषिकेश उत्तराखंड में हमारे यहाँ पे। अच्छा तो भाई यहाँ पे देखो ये छोटू, इधर करना फेस, इधर करो ऐसे करो फेस, देखो इसने इस तरीके से कुंडल पहन रखे, और इधर भी इधर देखो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे का नामकरण होता है तो नामकरण के बाद से यहाँ पे मणिपुर में ब्राह्मण लोग इस तरीके से इयररिंग्स पहनते हैं, ये मेल पहनते हैं फीमेल भी पहनते हैं दोनों, इसी टाइप का सेम और इसी टाइप की माला। ओके और ये छोटू रैपर है ना, रैप सुनाओ चलो। बहुत बढ़िया छोटू है, तुम्हारा नाम क्या है? हे यो गाइस, भाई ये तो पूरी फील्ड में है दोनों बच्चे। तुम्हारा नाम ऋतिक है ना? हाँ। तुम्हारा नाम ऋषिकेश, ऋषिकेश क्या शर्मा? हाँ। ओ यहाँ भी देश का, ऋषिकेश देश, देखिए सिटी है ऋषिकेश तो देश थोड़ी है। ऐसे भाई यहाँ पे ना एक और जगह है जहाँ पे हम लोग रात को रुक के ना कैंप कर सकते थे, लेकिन वो जगह ना मैंने कल के लिए छोड़ दी है, वो जगह मैं आपको कल दिखाऊंगा, आज वहाँ नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है? तो आज मैं आपको इधर ही विष्णुपुर में नहीं दिखाने वाला हूँ, विष्णुपुर मैं आपको कल दिखाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे एक लेक है भाई साहब, बहुत प्यारी लेक, मतलब मणिपुर की सबसे फेमस और सबसे प्यारी लेक है भाई वो, तो वो कल मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसीलिए हम लोग विष्णुपुर से बाहर निकल रहे हैं। भाई यहाँ पे एक पेट्रोल पम्प मिला है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से पेट्रोल पम्प बंद है, हालत देख रहे हो गया पेट्रोल पम्प की। तो यहाँ से ना व्यू काफ़ी अच्छा है भाई, यहाँ से जो उनकी फेमस लेक है लोकताल लेक, क्या नाम था, लोकताल लेक, लोकताल
लोकताक लेक, तो उसका व्यू है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर कहीं पे हम लगा लें टेंट तो अपना बढ़िया काम हो जाएगा। पेट्रोल पम्प तो पता नहीं सदियों से बंद लग रहा है। आई एम हेडिंग टू नागालैंड एंड मीनवाइल आई विल एक्सप्लोर द मणिपुर, होल मणिपुर। सो यू जस्ट वांट टू स्टे दिस नाइट? यस 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 यस, एक्चुअली आई हैव माय टेंट, आई कैन पिच माय कैंप एनीवेयर। सो यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? नॉट एक्चुअली बट I own the restaurant, na? Oh. So if you can have the meal at the restaurant, but the owner already have meal. Oh, we have done. Mm-hmm. But actually the owner is my uncle, but he doesn't stay here. He's at the inn bar. But so you can give permission on behalf of him. I'll just there is one person that would take care of this, no? So I'll just ask him. Okay? Just wait for a second. Okay. Thank you. तो गाइस, जो पेट्रोल पंप आपको दिखाया था ना कि जहाँ पे मैं आज रात को रुक सकता हूँ, तो वो पेट्रोल पंप तो बंद है, ठीक है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो पेट्रोल पंप के बगल में ना जस्ट यहाँ पे कैफ़े है हिली टेस्ट करके। तो जो यहाँ की ऑनर है ना, वो अभी हमारे पास में आए थे कि ये जो पेट्रोल पंप है वो मेरे अंकल का है, तो मैं उनसे एक बार पूछ के परमिशन ले लेती हूँ, तो आप उसके बाद रुक सकते हो जब तक आप हमारे रेस्टोरेंट में बैठ जाओ। तो इनका रेस्टोरेंट से भाई साहब व्यू बड़ा तगड़ा है। और इनका रेस्टोरेंट है ये विष्णुपुर में मतलब एंट्री करने से पहले ही है हिली टेस्ट करके। भाई जितना व्यू सुंदर है उतनी ऑनर भी सुंदर है। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक। आपका नाम क्या है? थानवी या, नागा। ये आपका कैफे है हिली टेस्ट, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और यहाँ से व्यू भी बहुत शानदार है। भाई थैंक यू सो मच। यहाँ से सनसेट होता होगा तो भाई बड़ा प्यारा लगता होगा। और सामने जैसे आपको ये खेत दिख रहे हैं, खेत के जस्ट आगे ना वहाँ पे एक लेक है, वो लेक पे हम आपको कल लेके चलेंगे। यहाँ पे आए और होटल की जो ऑनर है उन्होंने हमको राइस बियर ऑफर किया है, ऐसा कुछ है भाई साहब, मतलब चावल का पानी है ये, ठीक है, बियर वियर कुछ नहीं है। तो टेस्ट करते हैं। वैसे मैंने ना राइस बियर पहले भी पी है, मैंने ज़्यादा जो राइस बियर टेस्ट करी है ना वो मेघालय की करी है। मेघालय में गोडेंगरी करके एक गाँव था भाई, वो पूरे मेघालय में ना वो जगह फेमस ही इसलिए है, वहाँ पे दूर दूर से लोग ना राइस बियर पीने के लिए आते हैं उस गाँव में। तो देखते हैं कि वैसा टेस्ट है कि कैसा है। या We'll sleep here. Okay. So you are here? No. We are from at Bazaar. Oh, you are from Bazaar. Yeah. What's your name? Ron Thong. Jonathan. 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 Yeah. Panmay. Panmay. You are Naga. Yeah, I'm Naga. Oh wow. So भाई हम अपनी बाइक वगैरह लेके आ गए और आज हम लोग इधर ही रुकेंगे। ये एक पेट्रोल पंप है भाई, और यहाँ पे रुकने का मेन जो रीजन है ना भाई वो ये व्यू है भाई, बहुत कमाल का व्यू है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ऊपर होते ना तो पूरा लेक वहां से दिखता। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज ना मैं आपको यहाँ की क्या मतलब मणिपुर की सबसे फेमस चीज दिखाने वाला हूँ भाई, लोकताक लेक। भाई वो बहुत खूबसूरत लेक है, और उस लेक के बीचों बीच ना काफी सारे फ्लोटिंग फील्ड बोल लो या आइलैंड बोल लो काफ़ी सारे हैं, जिसमें ना लोगों ने अपने घर बना रखे। लिटरली वो ना फ्लोट करते हैं, मतलब एक ज़मीन है जो कि पानी के ऊपर है और वो ज़मीन फ्लोट करती है, मतलब कल रात को इधर थी तो सुबह इधर हो जाएगी, तो वैसे करके फ्लोट करती है। और वहाँ पे ना एक नेशनल पार्क भी है, मतलब दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क है भाई जो कि एक फ्लोटिंग ज़मीन पर है, ठीक है। बाकी काफ़ी सारी कई अनरियल चीज़ें हैं भाई विष्णुपुर में, और आज हम विष्णुपुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। विष्णुपुर में भी पर्टिकुलरली हम लोग लोकताक लेक को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी विष्णुपुर यार मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है ना बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब यहाँ पे आओगे ना आपको लगेगा कि भाई साहब कुछ तो है, कुछ अलग कल्चर है यहाँ। मणिपुरी जो ट्राइब है ना, जो लोग हैं, उनका जो पहनने का कपड़ा पहनने का तरीका वो सब काफ़ी डिफरेंट है। सामने ये जहाँ तक आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पे ग्रीन ख़त्म होता है उसके बाद वो लेक है, बहुत बड़ी लेक है भाई, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। मणिपुर का जो इकोसिस्टम है ना वो भी भाई काफी हद तक इस लेक पे डिपेंड करता है। इस लेक से कई सारे लोगों की आमदनी चलती है, लाइक फिशरमैन जो कि यहाँ से फिशिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे कई सारे खेत हैं, खेतों के लिए पानी है, और
टूरिज्म जो कि आजकल थोड़ा सा डाउन हो रखा है। यहाँ पे अपने कैंप लगाया हुआ था, अपना टेगलू का टेंट उठा लिया और मेरा टेंट अभी लगा हुआ है। नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए, अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे एक मणिपुरी एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना वगैरह खा के आएंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे। भाई कैसे है? मस्त। और भाई अभी ना 9:30 बज रहे हैं, और 9:30 बजे वैसे तो मतलब मणिपुर मिजोरम में थे ना, मैं इतनी गंदी धूप हो जाती थी, लेकिन आज का मौसम कुछ अलग ही है। मतलब लग रहा है कि बहुत भयंकर बारिश आने वाली है। बाकी बहुत खूबसूरत जगह भाई विष्णुपुर, ठीक है मणिपुर आओ तो विष्णुपुर जरूर आना भाई। सो चलो गाइस निकलते अब यहाँ से। ग्लू भी तैयार हो गया है, मेरी गाड़ी भी रेडी है, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। ओके भाई जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो गाइस निकलते हैं यहाँ से। ओके चलो गाइस निकलते हैं, सुबह सुबह बड़ी अच्छी हो रही है। चलिए तो भाई सबको नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल, जय पशुपतिनाथ जय केदारनाथ। कैसे हैं भाई लोग? हे भगवान रक्षा करना डक एंड फैमिली। भाई साहब पूरे नॉर्थ ईस्ट में ना डक वगैरह बहुत होते हैं। तो भाई हम लोग ना कल विष्णुपुर से बाहर आ गए थे, लगभग 1 किलोमीटर बाहर आके हम लोगों ने कैंपिंग किया था, और सामने भाई साहब चेक पोस्ट है पुलिस का और CRPF दोनों का। कल इनको भी पूछा था मैंने कैंपिंग के लिए जगह, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लेडीज़ों को तो देखा ही था कुछ अलग स्टाइल में कपड़े पहन के, और यहाँ पे भाई लोग कैसा धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। इनसे बात करते हैं। हेलो भाई कैसे हैं? कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। तो धोती कुर्ता पहन के किधर जा रहे हैं? अभी है फंक्शन में। कहाँ तक जा रहे हैं? हम तो पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं? हाँ। आप क्या ब्राह्मण हैं? हाँ ब्राह्मण है। तो ये आप क्या कहाँ जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पूजा करने। क्या बात है यार, बढ़िया लगा देख के। ओके भाई हर महादेव। भाई साहब मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब दिल्ली NCR से निकल के बाहर जाओगे ना, अब तो लोग ना जितने भी हिंदू लोग होंगे वो अपने कल्चर को ना बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मेरे चैनल का नाम भाई ये है घुमक्कड़ इंडियंस। अब मैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रहा है वैसे, अब मणिपुर का कल ही आया इधर विष्णुपुर। ब्लैक डे क्यों है आज? आप लोग तो पुलिस है ना? पुलिस का नहीं है। आप पुलिस नहीं है? अच्छा मणिपुरी का ग्रुप का है आप? तो आप भी सेम? तुम हिंदू? हाँ तुम हिंदू? मैं हिंदू है। मैं विकास नेगी उत्तराखंड। तो आप लोगों का अपना मणिपुरी ग्रुप है? विशेखा कोकी है अभी। हाँ मैं दो आदमी। हाँ जी मैं दिल्ली से है, दूसरा वाला आसाम से है। हाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं ना। तो खाता नहीं? नहीं नहीं मैं नहीं खाता। और इधर का खाना मेरे को अच्छा लगा आपका मणिपुर का, टेस्टी मतलब बिल्कुल साफ सुथरा खाना, दाल सब्जी जैसे हम लोग खाते हैं ना दिल्ली में घर में वैसे ही खाना है। अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना देखना। तो भाई साहब आज इन्होंने बंद किया हुआ है विष्णुपुर, पूरा मार्केट बंद किया हुआ है। मतलब भाई पूरी मार्केट बंद है भाई, पूरी मार्केट। ये बाइक गिर गया। हाँ बैंडेज दुकान लेता है करेगा अभी क्या? हाँ ब्लीड कर रहा है थोड़ा थोड़ा। नाश्ता हो गया? नाश्ते के लिए तो ढूंढ रहे हैं दुकान। नाश्ता नहीं ना? हाँ जगह से। हाँ हॉस्पिटल में जगह से प्रॉब्लम है। ऊपर की तरफ खुला है ना? हाँ तो ऊपर ही जाएगा फिर। कंटिन का खोलेगा। थैंक यू सो मच। सो भाई विष्णुपुर की जो मार्केट थी जहाँ पे हमने कल खाना खाया था वो तो बंद, लेकिन वो खुद से बोल रहे हैं तो फिर हम तो बोल ही सकते हैं ना। तो आज ब्लैकआउट है, उनकी तरफ से पूरा मार्केट बंद किया हुआ है, तो पूरी मार्केट में कुछ खाने को नहीं मिलेगा।
तो इसलिए हम दोबारा से वहीं आए कल जहाँ रात को कल रुके थे। यहाँ सामने पीछे ना एक होटल मिल गया, तो यहाँ पे परांठा तो मिल जाता है भाई, आलू आलू का परांठा वगैरह मिल गया और दाल वगैरह मिल गई है, तो अपना खाना पीना हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी जहाँ हम लोग आज जाने वाले थे ना, लोकटाक लेक, तो वो लेक तो शायद खुला हुआ है, वो लेक बंद नहीं किया है। सो गाइज हमारा आलू का परांठा आ गया भाई साहब। आलू के परांठे की शेप तो ऐसी लग रही है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन परांठा देखने में टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल कड़क कड़क। चलो खाते हैं। साथ में इन्होंने दिया भाई चने की दाल और एक चाय। भाई बहुत तेज बारिश हो गई है, अब मेरा बाइक का सामान सारा, मेरा ना सामान सारा भीग गया था, तो अब बाइक ना मैंने बिल्कुल अंदर को खड़ी कर दी है इनके होटल में। बाकी बाहर देखो भाई क्या तगड़ी बारिश हो रही है। सो गाइस बारिश रुक चुकी है, और बारिश रुकते रुकते जो टाइम है ना भाई, वो हो गया है दोपहर के 2 घंटे बाद वैसे ही हम लोग कैंपिंग के लिए जगह ढूंढने लगते हैं, तो अब कहाँ ही जाएं और क्या ही देखेंगे। तो अभी ना कल वाली जो लोकेशन थी जहाँ पे हमने कल कैंपिंग करी थी, वहाँ जा रहे हैं, और बाइक वहाँ पे खड़ी करके आसपास में कोई जगह होंगी आपको वो मैं दिखाऊँगा। भाई फाइनली ना हम लोग ने टेंट वेंट लगा लिया और अपने टेंट के अंदर आके बैठ गए। आज का पूरा दिन ऐसे वेस्ट हो गया, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई थी 10-11 बजे से, फिर उसके बाद पूरा 1-1.5 बजे तक बारिश होती रही, और यहाँ पे ना मतलब ऐसा 1-1.5 घंटे में हमें कहीं कैंपिंग की जगह मिले ना मिले कुछ पता नहीं, तो वापस ही हमने पेट्रोल पम्प पे आके टेंट लगा लिया था। और खाना पीना अपना हो चुका है, रात में थोड़ा वो जो बगल में वो लड़की का रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे कुछ खा लेंगे, और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं भाई। कल मिलेंगे आपको, लोकटाक लेक तो आज नहीं दिखा पाए, आपको कल लोकटाक लेक दिखाएंगे, ठीक है। और बाकी भाई लास्ट वीडियो में कई सारे कमेंट आए, अच्छे कमेंट भी आए, बुरे कमेंट भी आए, और वीडियो वो वायरल हो गई। तो जब वीडियो वायरल होती है ना भाई, तो मिक्स कमेंट आते हैं, हर तरह के लोगों की ओपिनियन होती है, जो लोगों की ओपिनियन है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कई जगह पर हो सकता है कि मैंने जो वो शब्द बोले हैं या वो लोगों को पसंद नहीं आए, और कई लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आप मिलिट्री के स्पाई हो, आप इंडियन स्पाई हो, तो उस चीज़ को तो भाई मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। बाकी भाई मैं कोई स्पाई वगैरह नहीं हूँ, आप मेरा चैनल जाके देखो, 7 साल से मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ भाई। लोग बोल रहे हैं कि इसका बोलने का तरीका देखो, इसका कॉन्फिडेंस देखो, इसका ड्रेसिंग सेंस देखो, ये बिल्कुल ब्लंट है, ये डर नहीं रहा है, ये जरूर कोई स्पाई है, मिलिट्री एजेंट है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ मैं, जो कि अपना काम कर रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, मेरे को ब्लॉगिंग पसंद है तो मैं कर रहा हूँ। इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी मैं ऐसा ट्रैवल किया है, इंडिया के बाहर भी ट्रैवल किया, मणिपुर फर्स्ट टाइम आया हूँ। और मुझे देखो एक चीज़ मुझे पता है कि जो वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, चाहे वो मेथई लोग हों चाहे वो कुकी लोग हों, ठीक है, उनकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनके रास्ते में नहीं आ रहा हूँ, मैं उनके काम में बाधा नहीं डाल रहा हूँ, तो मेरे को क्यों हम पहुँचाएंगे, मेरी ना उनसे कोई दुश्मनी ना उनकी मेरे से कोई दुश्मनी है। तो ये सोच के मैं मणिपुर में आया हूँ कि चाहे बेशक कितने भी ग्रुप हों, लेकिन उनका मेरे से कोई लेना देना है नहीं, तो मेरे को कोई हार्म नहीं पहुँचने वाला, और वही सोच के मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मणिपुर में। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो भाई माफ़ कर देना, अगर कोई बंदा देख रहा है लोकल मणिपुरी, ठीक है। बाकी भाई मेरे से ना गलती हुई है, मैंने ना मैंने मणिपुरी बोला और कुकी बोला, ठीक है, तो उसको मैं सही कर रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग मणिपुर में रहते हैं वो मणिपुरी हैं, तो उसमें अलग अलग ट्राइब है, मैथई हैं, कुकीज हैं, नागा हैं, और कुछ थोड़ा बहुत गोरखा भी मणिपुर में रहते हैं। चलो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और आपसे कल मिलते हैं। भाई कीप कमेंटिंग, अच्छा लग रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट करना है, जहाँ भी मेरी गलती है आप करो कमेंट करो। कोई भी बंदा जब ट्रैवल करता है तो उसको पता लगता है कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ठीक है। लोगों ने कई अच्छे कमेंट भी किए और कई नेगेटिव कमेंट भी किए हैं, तो दोनों कमेंट वेलकम है और दोनों कमेंट से मैं सीखूंगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक फ्रेश न्यू व्लॉग के साथ में, और उस व्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, आपको और कुछ ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी पता लगेंगी, ठीक है, मणिपुर के बारे में। तो कल मिलेंगे सुबह 8 बजे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।